अपनी खूबसूरती से लोगों को दीवाना करने वाली नलिनी नेगी, जिन्होंने कभी त्रिशा बनकर लोगों का दिल जीता तो कभी रिया मेहता के किरदार से, तो वहीं अब नलिनी नेगी जल्द ही हमें सलमान खान के कंट्रोवर्शियल शो बिग बॉस सीजन 14 में नजर आने वाली है। वहीं चलिए आपको बताते हैं नलिनी के बारे में। नलिनी नेगी का जन्म 14 अगस्त 1990 में दिल्ली में हुआ, लेकिन वो किन्नौर हिमाचल प्रदेश से बिलोंग करती है। उन्होंने बैचलर ऑफ जर्नलिज्म की डिग्री गार्गी कॉलेज दिल्ली से ली, जिसके बाद वो 2009 में ITV स्प्लिट्सविला सीजन 2 में नजर आई थी। इस शो के वो सेकंड रनर भी रही और इस शो के बाद उन्हें 2014 में टीवी शो लॉट आउट त्रिशा में काम करने का मौका मिला। इसके बाद 2015 में डोली अरमानों की दिया और बाती हम में भी वो नजर आई, लेकिन उन्हें असली पहचान मिली शो नामकरण से। जी हाँ, रिया मेहता का उन्होंने इस शो में रोल प्ले किया, जिसे लोगों ने काफी पसंद भी किया। इसके बाद साल 2016 में डर सबको लगता है, 2017 में पोरस, 2018 में लाल इश्क भाग्या और 2019 में विश जैसे सीरियल्स में उन्होंने काम किया। नलिनी की पर्सनल लाइफ की अगर बात की जाए तो नामकरण में उनके को स्टार जैन इमाम के साथ उनका नाम जुड़ा था। कहा तो ये भी जाता था कि दोनों एक दूसरे के साथ काफी टाइम स्पेंड करते हैं। शूट खत्म होने के बाद भी दोनों एक दूसरे के साथ ही नजर आते थे, लेकिन इन खबरों को जैन ने गलत बताया था और कहा था कि हम दोनों महज दोस्त हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं। वहीं नलिनी से जुड़े विवाद की अब बात करें तो 2009 में नलिनी ने MTV के क्रू मेंबर्स पर बड़ा आरोप लगाया था। उन्होंने कहा था कि कुछ टॉप क्रू मेंबर्स शो की सेकंड रनर अप रह चुकी जोन्ना मैगी के साथ एक ही रूम में सोते थे और शो में उसे अंत तक फेवर भी किया गया। वहीं इसके अलावा 2019 में उन्होंने अपने रूममेट प्रीति और उसकी माँ पर FIR दर्ज करवाई थी। उनका आरोप था कि उनकी रूममेट प्रीति और उनकी माँ ने उन पर हमला किया था। नलिनी ने अपने जख्मी चेहरों की तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर भी की। नलिनी ने एक इंटरव्यू में बताया था कि उन्होंने उस लड़की को कुछ दिन के लिए अपने घर में जगह दी थी, लेकिन कुछ दिनों बाद उनकी माँ भी आकर रहने लगी। लेकिन जब नलिनी ने उन्हें वेकेट करने के लिए कहा तो प्रीति और उनकी माँ ने नलिनी से मारपीट की। वेल, नलिनी शो के अंदर क्या धमाल करती है अब ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है।